नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। लद्दाख सीमा के करीब चीन बना रहा हेलीपैड। भारत और चीन के बीच लद्दाख में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच पिछले 8 महीने से गतिरोध जारी है। कई दौर की बातचीत के बाद भी चीन अपने करतूत से बाज नहीं आ रहा है। बता दें, सैटेलाइट इमेज में बड़ा खुलासा हुआ है कि चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सीमा के करीब निर्माण कार्य अब भी जारी रखा है। इंडिया टुडे के अनुसार चीन लद्दाख सीमा पर हेलीपैड का निर्माण कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का एक टर्फ चक्रवाती कम दबाव के क्षेत्र में बदल रहा है। वहीं एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण अरब सागर और मध्य अरब सागर में बन रहा है। इससे पूरे देश के मौसम पर इसका असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान बारिश और बादल के कारण अगले 3 दिनों में 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। बता दें, इससे कनकनी बढ़ेगी और झारखंड के कई इलाकों में बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 16 दिसंबर से आसमान साफ रहेगा। झारखंड कृषि सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 27 से 30 दिसंबर तक। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड कृषि सेवा वर्ग 2 सहायक कृषि निदेशक अनुमंडल कृषि पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा के 1708 अभ्यर्थियों के आवेदन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं करने व अन्य कारणों से रद्द कर दिए हैं। बता दें, 1843 अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं। यह प्रतियोगिता परीक्षा 27 से 30 दिसंबर तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। झारखंड के 54 लाख घरों को नल से मिलेगा शुद्ध जल। सीएम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों की समीक्षा के क्रम में कहा कि झारखंड में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत घर घर नल से जल उपलब्ध कराने की कार्य में तेजी लाए। राज्य के 54 लाख से अधिक घरों को इस योजना से जोड़ना है। इसके लिए समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करें ताकि ग्रामीणों को नल से शुद्ध जल उपलब्ध हो सके। दुष्कर्म मामले में सामाजिक व आर्थिक आधार पर डाटा तैयार कर रही झारखंड पुलिस। झारखंड पुलिस मुख्यालय दुष्कर्म की घटनाओं की रोकथाम में सहायता के लिए सामाजिक व आर्थिक आधार पर डाटा तैयार कर रहा है। प्रभारी DGP MB राव के निर्देश पर CID के ADG अनिल पाल्टा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इधर ADG ने जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2020 के दौरान घटित दुष्कर्म की घटनाओं के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। आंकड़ा तैयार होने के बाद पुलिस मुख्यालय के स्तर से घटनाओं की समीक्षा कर इसके रोकथाम के उपाय निकाले जाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई मामले में झारखंड 13वें स्थान पर। ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में पूरे देश में झारखंड 13वें स्थान पर है। वहीं पंजाब सबसे अव्वल पर है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने देश भर के स्कूली बच्चों के ऑनलाइन पठन पाठन को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। बता दें, शिक्षा विभाग द्वारा रिपोर्ट असर एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के कराए गए सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 47.9% स्कूली बच्चों के पास स्मार्टफोन है। ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में झारखंड की स्थिति कई राज्यों से बेहतर है। प्रवासी मजदूरों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने का प्रस्ताव। लॉकडाउन के दौरान राज्य में आने वाले प्रवासी मजदूरों पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में दर्ज मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बताते, राज्य के 8 जिले रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, जमशेदपुर, चाईबासा, दुमका, साहिबगंज व पाकुड़ के SP ने सरकार को मुकदमा वापस लेने के संबंधित प्रस्ताव भेजा है। इन 8 जिलों में ही कुल 30 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें 204 प्रवासी मजदूरों को अभियुक्त बनाया गया था। दुष्कर्म की घटनाओं पर राज्यपाल ने जताई चिंता। DGP को कार्रवाई का निर्देश। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोमवार को पुलिस महानिदेशक MB राव को राजभवन बुलाकर राज्य की विधि व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने दुष्कर्म की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में इस प्रकार का भयमुक्त वातावरण हो कि सभी लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। राज्यपाल ने हाल ही दुमका तथा खुट्टी में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए घटना में शामिल सभी लोगों की शीघ्र पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। झारखंड में 212 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 111,722 है, जबकि 109,141 लोग स्वस्थ हुए और 1,000 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 99,06,507 है, जबकि 94,21,832 लोग स्वस्थ हुए और 143,740 की मृत्यु हो गई। भारत में नए केस 21,791 मिले हैं। भारत में कुल एक्टिव केस 338,362 है। वही झारखंड में कुल एक्टिव केस 1581 है।
झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख किसानों के बीच पहुंचकर किसान बन गए और खलिहान में धान की पिटाई की। बता दें सोमवार को मंत्री अपने क्षेत्र के दौरे पर थे। इसी दौरान देवघर जिला के सरवा प्रखंड के बैद्यनाथपुर गांव में उन्होंने किसानों को धान पीटते हुए देखा और इसके बाद वे खुद किसानों के पास पहुंचे और फिर धान की पिटाई की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मैं एक किसान हूं और किसानों की तरह काम करना मुझे अच्छा लगता है। एक सप्ताह के अंदर रांची के सभी धान क्रय केंद्र खुलेंगे। झारखंड के रांची जिला के डीसी छवि रंजन ने खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में धोती साड़ी लुंगी योजना, झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत हरा राशन कार्ड की प्रगति, धान अधिप्राप्ति, आधार सीडिंग, पीडीएस सेंटर की जियो टैगिंग, वन नेशन वन राशन कार्ड आदि की समीक्षा की गई। इस दौरान डीसी ने एक सप्ताह में धान अधिप्राप्ति केंद्र में किसानों से धान लेने का निर्देश दिया। साथ ही इसके लिए किसानों को धान सहित केंद्र तक लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया। सरना कोर्ट को लेकर 15 मार्च को दिल्ली जाएंगे देश के आदिवासी। नगड़ा टोली सरना भवन में सोमवार को ट्राइबल कॉलम के मुद्दे को लेकर बैठक हुई, जिसमें जय आदिवासी केंद्रीय परिषद, झारखंड राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनियस धर्म समन्वय समिति भारत, झारखंड राज्य गोड्डा आदिवासी महासभा, आदिवासी छात्र मोर्चा, आदिवासी छात्र संघ के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। समन्वय समिति के मुख्य संयोजक अरविंद उराव ने कहा कि सरना गोड्डी, सनमाही, डोनी, पोलो, भीली, सारी सहित अन्य सभी मान्यताओं को बरकरार रखते हुए भारत सरकार से 2021 के जनगणना में पृथक ट्राइबल कॉलम लाने की मांग की। इसी मांग को लेकर 15 मार्च को पूरे देश के आदिवासी दिल्ली जाएंगे और जंतर मंतर में बृहद धरना में सम्मिलित होंगे। झारखंड में पाइपलाइन से सिंचाई की प्रणाली विकसित होगी। झारखंड के खेतों में पाइपलाइन से सिंचाई के लिए प्रणाली विकसित की जाएगी। इससे विशेषकर पहाड़ी या ऊंचाई वाले क्षेत्रों को सिंचाई आसान हो जाएगी। राज्य में सिंचाई परियोजना को तय समय सीमा के अंदर पूरा करते हुए धरातल पर उतारा जाएगा। यह निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को जल संसाधन विकास की कार्य प्रगति की समीक्षा के दौरान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संसाधन विभाग किसानों के हित और विकास से जुड़ा विभाग है। हमारे राज्य में खेती कृषि की असीम संभावनाएँ हैं। QR कोड स्कैन कर जैक बोर्ड के छात्र देख सकते हैं संशोधित पाठ्यक्रम। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए QR कोड को स्कैन कर संशोधित सिलेबस के साथ साथ साप्ताहिक कैलेंडर भी देख सकेंगे। बता दें झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सभी किताबों की QR कोड में संशोधित सिलेबस अपलोड कर दिया है। साथ ही पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए 8 सप्ताह के जारी किए गए कैलेंडर को भी उसमें रखा गया है। जिन बच्चों को संशोधित सिलेबस या 8 सप्ताह का शैक्षणिक कैलेंडर नहीं मिल सकता है, वह QR कोड स्कैन कर आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैक बोर्ड 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा लेगा। इसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जहां बोर्ड परीक्षा होगी, वहीं 8वीं, 9वीं और 11वीं की OMR सीट पर परीक्षा ली जा सकेगी। बता दें मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा मार्च अप्रैल में लेने की उम्मीद है, जबकि 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा फरवरी में हो सकेगी। छात्रवृत्ति घोटाले की जाँच SEBI करेगी, 31 तक उपायुक्तों से मांगी गई रिपोर्ट। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई अनियमितता और सरकारी राशि के गमन मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो SEBI करेगा। मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। बता दें सरकार ने सभी उपायुक्तों से छात्रवृत्ति में उजागर हुई गड़बड़ी के संबंध में 31 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है। बुढ़ा पहाड़ पर फिर सक्रिय हुए नक्सली। पलामू, गढ़वा व लातेहार जिला के सीमा पर स्थित बुढ़ा पहाड़ नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र रहा है। बता दें पूर्व में अभियान के दौरान इस इलाके में शांत पड़ चुकी नक्सली गतिविधियां फिर शुरू हो चुकी है। सूचना है कि बुढ़ा पहाड़ पर एक बार फिर नक्सली सक्रिय होने लगे हैं और यहाँ कुख्यात माओवादी रविंद्र गांजू का दस्ता भी पहुँच गया है। पुलिस को इससे संबंधित जानकारी मिली है, इसके बाद पुलिस रविंद्र गांजू की तलाश में जुट गई है। पंचायत चुनाव होने तक नहीं फंसेगी केंद्रीय मद। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव नहीं होने से केंद्रीय मद की राशि नहीं फंसेगी। 4 जनवरी से पंचायती राज के तहत चयनित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन पंचायती राज का काम नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 2-2 विकल्प उपलब्ध है। मुख्यमंत्री से विमर्श कर 1-2 दिन में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पंचायतों के चुनाव नहीं होते, तब तक पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रत्येक पंचायत में समूह या समिति के गठन पर विचार किया जा रहा है।
वहीं दूसरा विकल्प यह है कि सरकारी अधिकारियों को यह शक्ति देकर काम को आगे बढ़ाया जाएगा। दुमका सामूहिक दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी सहित चार गिरफ्तार। दुमका सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी संतोष मोहली सहित चार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों में मनोज हंसदा, समीर और बोदीलाल हंसदा सम्मिलित हैं। बता दें, पूर्व में एक अभियुक्त मंगल हंसदा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एसपी अंबर लकड़ा ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के सभी प्रमंडलों में भाजपा की किसान पंचायत आज। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के सभी 5 प्रमंडलों में मंगलवार को किसान पंचायत आयोजित करेगी। कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी आदित्य साहू ने बताया कि संथाल परगना प्रमंडल का किसान पंचायत देवघर स्टेडियम में आयोजित है, जिसके मुख्य वक्ता पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी होंगे। अयोग्य राशन कार्ड धारक 31 दिसंबर तक करे कार्ड सरेंडर, अन्यथा होगी कार्रवाई। बोकारो डीसी। गरीब तथा जरूरतमंद लाभुकों को राशन उपलब्ध करवाने को लेकर उपायुक्त राजेश सिंह ने जिलावासियों से अपील की है कि सरकारी योजनाओं को लाभ के लिए सुयोग्य सभी व्यक्तियों को उनका हक दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। उपायुक्त ने सभी ऐसे राशन कार्ड धारियों को सक्षम होते हुए भी राशन कार्ड बनवाकर राशन ले रहे हैं उन्हें 31 दिसंबर तक राशन कार्ड सरेंडर करें और योग्य लाभुकों को राशन दिलाने में अहम भूमिका निभाएं। बीज वितरण में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, पलामू सांसद। पलामू जिले के किसानों को समय पर उन्नत बीज देकर लाभान्वित करें। बीज वितरण में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बीज वितरण में गड़बड़ी करने वाले पर उनका लाइसेंस रद्द करते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह बातें पलामू के सांसद सह जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति अध्यक्ष विष्णुदयाल राम ने कही। जामताड़ा के 6 साइबर अपराधी रांची से गिरफ्तार। साइबर अपराध के लिए पूरे देश में कुख्यात झारखंड के जामताड़ा जिले के अपराधियों ने अब अपना ठिकाना राजधानी रांची में भी बनाना शुरू कर दिया है। बता दें, रांची पुलिस ने सोमवार को 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वे जामताड़ा से आकर रांची में ठिकाना बनाकर रह रहे थे। साइबर अपराधी के पास से ATM स्कीमर डिवाइस, 15 मोबाइल फोन, 32 सिम कार्ड, 2 कार, 7 ATM कार्ड और करीब 50,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पलामू में दरोगा अवध किशोर पांडे 15,000 घूस लेते गिरफ्तार। पलामू जिला के विश्रामपुर थाना के नवगढ़ा OP के प्रभारी दरोगा अवध किशोर पांडे को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो SCB ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बता दें, दरोगा को 15,000 रुपये रिश्वत लेते पलामू SCB की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शारीरिक शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों के मॉडल का अध्ययन। फिजिकल एजुकेशन का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग दूसरे राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर रहा है। बता दें, CBSE उड़ीसा सहित अन्य राज्य जहां फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई स्कूलों में होती है उसकी रिपोर्ट मंगाई जा रही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर अंतिम रूप से पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और 2021-22 के नए शैक्षणिक सत्र से इसकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन दबाएं, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दोस्तों से करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।